अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर के जुबली बस चौराहे पर लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कॉलोनी में दुकानदारों और धुलाई सर्विस सेंटर मालिकों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में गर्मी अपने पूरे प्रचंड तेवर पर है। जालौर का तापमान 47 डिग्री से पार कर चुका है, जिसके कारण आमजन की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। भारी गर्मी एवं लू लगने के कारण अब तक जिले में लगभग 11 से ज्यादा मौत हो चुकी है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में पिलानी रोड बाईपास चौराहे पर वाटर कूलर से पानी लेने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा के डकैती की योजना बनाते हथियार सहित गिरफ्तार हार्डकोर बदमाशों का पुलिस ने सरे बाजार में परेड निकाले और आरोपी लंबे अरसे से फरार चल रहा था और फरारी के दौरान ही स्टेशन रोड के एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की बड़ी वारदात करने में फराक लिखा। गंगापुर सिटी जिले के तलवाड़ा गांव में मकान मालिक ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया। रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे फरियादी के साथ पुलिस ने मारपीट की है। घायल फरियादी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटपुतली के निमराता स्थित कांकर कुतीना में आवागमन का रास्ता पिछले 77 साल से बंद था और लंबे समय से कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद भी समाधान नहीं निकला है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर 5 गांवों की चौपाल में सहमति बनाकर के जमीन दान करके मामला सुलझाया है। अलवर के रैंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के माता पिता के विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट उनके साथ की है। दुर्गापुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवक से अवैध ब्राउन शुगर पकड़ा है। युवक के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के 8 केस पहले से दर्ज है। आरोपी युवक नशा करने वाले युवाओं को ब्राउन शुगर बेचता था। उदयपुर के फतेहपुरा इलाके में एक फैक्ट्री के कमरे में अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई है। सिलेंडर में आग लगने पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोटपुतली के वारसूर के अलवर रोड पर कन्हैया नगर में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में 20 कार्टन अवैध बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम किया गया और पुलिस आरोपी से इस बारे में आगे की कार्रवाई कर रही है। जयपुर के झालरा गांव में बिजली लाइन डालने के दौरान पथराव के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी को राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस और कर्मचारियों पर पथराव कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।